नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी गद्य की गौण विधाएं। तो आइए पहले आत्मकथा देखते हैं कि सन 1641 में बनारसी दास जैन ने ब्रजभाषा पद्य में, देखो ब्रजभाषा है और पद्य है, में अर्धकथानक की रचना की, जिसे हिंदी की प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। उसके बाद देखिए, सन 1941 में बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी को हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। मेरी आत्मकहानी 1941, श्याम सुंदर दास, इसे हिंदी की प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। उसके बाद देखिए, मुझमें देव जीवन का विकास सत्यानंद अग्निहोत्री का है 1910 में। जीवन चरित्र ये संबत 1917 है, स्वामी दयानंद का। जीवन चरित्र स्वामी दयानंद का है। आप बीती 1921 में भाई परमानंद का है। आप बीती 21 में भाई परमानंद का है। मैं क्रांतिकारी कैसे बना ये 1933 में रामविलास शुक्ल का है। प्रवासी की कहानी किसका है? भवानी दयाल सन्यासी का है 39 में। मेरी आत्मकहानी 1941 में श्याम सुंदर दास का है, और इसे ही हिंदी की प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। मेरी जीवन यात्रा किसका है? राहुल सांकृत्यायन का है। और मेरी आत्मकहानी 1963 में चतुरसेन शास्त्री का भी है। उसके बाद देखिए कि 1947 में आत्मकथा 1947 में किसका है? राजेंद्र प्रसाद का है। आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद का है। मेरा जीवन प्रवाह किसका है? वियोगी हरि का है। साधना के पथ पर 46 में किसका है? हरिभाव उपाध्याय का है। निज वृतांत अंबिका दत्त व्यास का है। कल्याण मार्ग का पथिक कौन है? स्वामी श्रद्धानंद की आत्मकथा है। मेरी जीवन गाथा गणेश प्रसाद वर्णी, देखो गाथा और गणेश, मेरी जीवन गाथा गणेश प्रसाद वर्णी, ऐसे याद कर लेंगे। एक पत्रकार की आत्मकथा किसका है? मूलचंद्र अग्रवाल का है। उसके बाद देखिए कि हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका जानकी देवी बजाज ने सन 1956 में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से अपनी आत्मकथा प्रकाशित करवाई थी। ममता कालिया की आत्मकथा है कितनी शहरों में कितनी बार ममता कालिया का है 2012 में सीता पुरस्कार मिला है इस पर। हिंदी की प्रमुख महिला आत्मकथा लेखिका हैं, आइए देखते हैं। देखिए, मेरी जीवन यात्रा 1956 में जानकी देवी बजाज का है। दस्तक जिंदगी की मोड़ जिंदगी का प्रतिभा अग्रवाल का है। जो कहाँ नहीं गया किसका है?
कुसुम अंसल का है, जो कहा नहीं गया कुसुम अंसल का है। लगता नहीं दिल मेरा, लगता नहीं दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री का है, लगता नहीं दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री का है। और कृष्णा अग्निहोत्री का ही और औरत भी है, और औरत भी कृष्णा अग्निहोत्री का है। आरोह अवरोह, आरोह अवरोह ये 2015 में किसका है, डॉक्टर सुषमा बेदी का है। आरोह अवरोह डॉक्टर सुषमा बेदी का है। उसके बाद देखिए, जमाने में हम, जमाने में हम 2015 में है, ये निर्मला जैन का है। जमाने में हम, बूंद बावड़ी, बूंद बावड़ी एक सारथी, बूंद बावड़ी एक सारथी किसका है, पद्मा सचदेव का है। बूंद बावड़ी एक सारथी पद्मा सचदेव का है। और देख लीजिए कि आत्मकथा और संस्मरण, आत्मकथा और संस्मरण गिरधर शर्मा चतुर्वेदी का है। उसके बाद देखिए, कुछ कही कुछ अन कही, कुछ कही कुछ अन कही शीला झुनझुनवाला का है। कुछ कही कुछ अन कही शीला झुनझुनवाला का है। कस्तूरी कुंडल बसे गुड़िया भीतर गुड़िया, कस्तूरी कुंडल बसे गुड़िया भीतर गुड़िया ये मैत्रेयी पुष्पा का है, मैत्रेयी पुष्पा का है। कस्तूरी कुंडल बसे गुड़िया भीतर गुड़िया। हादसे और आप हुदड़ी किसका है, रमणिका ठाकुर गुप्ता का है। ये दो खंड में है, 2005 में है हादसे और 2015 में है आप हुदड़ी, किसका है, रमणिका ठाकुर गुप्ता का है। कली यह भी 2007 में मन्नू भंडारी का है, कली यह भी 2007 में मन्नू भंडारी का है। अन्या से अनन्या 2007 में प्रभा खेतान, अन्या से अनन्या 2007 में प्रभा खेतान का है। पिंजरे की मैना 2008 में है, पिंजरे की मैना चंद्र किरण सौनरेक्षा का है। संतरे और संतरे अनीता राकेश का है, संतरे और संतरे अनीता राकेश का है। कितनी शहरों में कितनी बार, कितने शहरों में कितनी बार 2011 में ये ममता कालिया का है। कितने शहरों में कितनी बार 2011 में ममता कालिया का है ये। हाशिए और इबारतें, हाशिए और इबारतें 2012 में ये चंद्रकांता का है, हाशिए और इबारते चंद्रकांता का है। और देखिए, एक कहानी यह भी 2007 में मन्नू भंडारी का है। एक कहानी यह भी 2007 में किसका है, मन्नू भंडारी का है। अज्ञात जीवन अजित प्रसाद जैन, अज्ञात जीवन अजित प्रसाद जैन का है, अज्ञात जीवन अजित प्रसाद जैन का है। देखिए, अज्ञात जीवन अजित प्रसाद जैन का है। उसके बाद देखिए, मेरा जीवन, मेरा जीवन किसका है, अलगू राय शास्त्री का है। मेरा जीवन अलगू राय शास्त्री का है, मेरा जीवन अलगू राय शास्त्री का है। उसके बाद सिंहावलोकन, सिंहावलोकन ये यशपाल की आत्मकथा है। सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है और ये तीन भागों में है। सिंहावलोकन तीन भागों में है, यशपाल की आत्मकथा है। उसके आगे देखिए, स्वतंत्रता की खोज में, स्वतंत्रता की खोज में किसका है, सत्यदेव परिवराजक का है। स्वतंत्रता की खोज में सत्यदेव परिवराजक का है। फिर देखिए, परिवराजक की प्रजा, परिवराजक की प्रजा किसका है, शांत प्रिय द्विवेदी का है। परिवराजक की प्रजा शांत प्रिय द्विवेदी का है। चांद सूरज के बीरन है ना, ये तीन भागों में है। चांद सूरज के बीरन,
नील अक्षड़ी और नाच मेरी बुलबुल किसका है? चांद सूरज के बीरन, नील अक्षड़ी और नाच मेरी बुलबुल, ये देवेंद्र सत्यार्थी का है। देखिए देवेंद्र सत्यार्थी का है तीन भागों में, चांद सूरज के बीरन है और क्या है, नील अक्षड़ी है, नाच मेरी बुलबुल। उसके बाद देखिए जीवन चक्र, जीवन चक्र किसका है? गंगा प्रसाद उपाध्याय का है, जीवन चक्र गंगा प्रसाद उपाध्याय का है। यादों की परछाइयाँ, यादों की परछाइयाँ किसका है? चतुरसेन शास्त्री का है, यादों की परछाइयाँ चतुरसेन शास्त्री का है। मेरी आत्म कहानी, मेरी आत्म कहानी चतुरसेन शास्त्री का है। यादों की परछाइयाँ मेरी आत्म कहानी चतुरसेन शास्त्री का है। आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण देखिए किसका है? आत्मनिरीक्षण है, ये तीन भागों में है, सेठ गोविंद दास का है। आत्मनिरीक्षण तीन भागों में सेठ गोविंद दास का है। बचपन के दो दिन और यौवन के द्वार पर, बचपन के दो दिन यौवन के द्वार पर, बचपन के दो दिन यौवन के द्वार पर, देवराज उपाध्याय का है ये देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है। यौवन के द्वार पर ये नगेंद्र का निबंध भी है, यौवन के द्वार पर नगेंद्र का निबंध भी है। मेरी अपनी कथा, मेरी अपनी कथा, अपनी कथा कौन कह रहा था? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, मेरी अपनी कथा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। अपनी खबर, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। अपनी खबर किसको, किसको अपनी खबर रहती है? पांडे बेचन शर्मा उग्र को अपनी खबर है, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। मेरे जीवन के अनुभव, मेरे जीवन के अनुभव किसका है? संत राम बीए का है, मेरे जीवन के अनुभव संत राम बीए का है। उसके बाद देखिए जीवन के चार अध्याय, जीवन के चार अध्याय किसका है? जीवन के चार अध्याय है भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव का है, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव का है जीवन के चार अध्याय। फिर उसके बाद देखिए हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है जो कि चार भागों में है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर और दस द्वार से सोपान तक। देखिए हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में है, नीड़ का निर्माण फिर 70 में है और बसेरे से दूर 78 में है। दस द्वार से सोपान तक कब है? 85 में है। और देख लीजिए एक है मेरी आत्मकथा कालजयी संघर्ष गाथा, मेरी आत्मकथा कालजयी संघर्ष गाथा, ये है डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना का है। और देखिए कि अपनी कहानी किसका है? अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा का है, अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा का है। अरुणायन, अरुणायन किसका है? राम अवतार अरुण का है। आधे सफर की पूरी कहानी किसका है? कृष्णचंद्र का है, आधे सफर की पूरी कहानी कृष्णचंद्र का। मेरी फिल्मी आत्मकथा किसका है? बलराज साहनी का है, मेरी फिल्मी आत्मकथा। घर की बात रामविलास शर्मा, घर की बात रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। मेरा जीवन किसका है? शिवपूजन सहाय का है, मेरा जीवन शिवपूजन सहाय का है। मेरे सात जन्म
मेरे साथ जन्म हंसराज रहबर का है। किसका है? मेरे साथ जन्म हंसराज रहबर का है, ये तीन खंडों में है ना। मेरे साथ जन्म ये हंसराज रहबर का है तीन खंडों में। उसके बाद देखिए कि रामदरस मिश्र का है, जहाँ मैं खड़ा हूँ रामदरस मिश्र का। किसका है? जहाँ मैं खड़ा हूँ रामदरस मिश्र का है। रोशनी की पगडंडियाँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं रोशनी की पगडंडियाँ है ना। इसे जोड़ के याद करेंगे, जहाँ मैं खड़ा हूँ रोशनी की पगडंडियाँ, टूटते बनते दिन, उत्तर पथ। ये किसका है? रामदरस मिश्र का है। रामदरस मिश्र ने चार खंडों में लिखी अपनी आत्मकथा को सहचर है समय के नाम से 1991 में प्रकाशित कराया था। सहचर है समय के नाम से। और इनका फुर्सत के दिन भी इन्हीं का है, रामदरस मिश्र का। फुर्सत के दिन किसका है? रामदरस मिश्र का। तो इनका है जहाँ मैं खड़ा हूँ रोशनी की पगडंडियाँ, टूटते बनते दिन, उत्तर पथ, फुर्सत के दिन, टूटते बनते दिन और फुर्सत के दिन। किसका है? रामदरस मिश्र का है। तपती पगडंडियों पर पदयात्रा कौन कर रहे थे? कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। तपती पगडंडियों पर पदयात्रा कर रहे थे कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। आत्म परिचय फणीश्वर नाथ रेणु का है आत्म परिचय। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर। किसका है? टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर का। अर्धकथा किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। मेरी जीवन धारा किसका है? यशपाल जैन का है। कहो व्यास कैसे कटी तो ये गोपाल प्रसाद व्यास का है। कहो व्यास कैसे कटी गोपाल प्रसाद व्यास का है। मुंडेर पर सूरज, देर सवेर आपस की बातें। मुंडेर पर सूरज, देर सवेर आपस की बातें, ये रामविलास शर्मा का है। मुंडेर पर सूरज, देर सवेर आपस की बातें, रामविलास शर्मा का है। उसके बाद देखिए गालिब छूटी शराब किसका है? रविंद्र कालिया का है। गालिब छूटी शराब ये रविंद्र कालिया का है। और ये संस्मरणात्मक इनका है ये आत्मकथा। और मुंडेर पर सूरज रामविलास शर्मा का, देर सवेर रामविलास शर्मा का, आपस की बातें रामविलास शर्मा का है। और रामविलास शर्मा ने अपनी धरती अपने लोक शीर्षक से 1996 में इसको प्रकाशित कराया था। कमलेश्वर का है, जो मैंने जिया कमलेश्वर, यादों का चिराग कमलेश्वर, जलती हुई नदी कमलेश्वर का है। जो मैंने जिया कमलेश्वर, यादों का चिराग कमलेश्वर, जलती हुई नदी, ये तीन खंड में किसका है? कमलेश्वर का है। तो आप लोग इसको पढ़िए, और जिनके पास सरस्वती पांडे की बुक है तो आप बुक खोल कर देख सकते हैं। और इसमें सब सही है क्योंकि हमने रामचंद्र तिवारी की बुक से मिलान किया है। और भी रामचंद्र तिवारी की बुक में जो नई नई रचनाएं हैं, मतलब इन्हीं विधाओं के जो नई रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में पूछी गई हैं, तो उसको हम प्रश्नोत्तरी में शामिल करेंगे, क्योंकि अभी इसी के साथ में और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए बस कुछ ही लिख कर शामिल किए हैं, अभी और भी है तो प्रश्नोत्तरी में उसको शामिल करेंगे। तो इसको आप लोग पढ़िए, बार बार जब पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो एक एक शब्द ही तो है, इसमें कोई कहानी तो है नहीं कि और कोई तरीका है इसको याद करने का। ये है कि
अगर आप वीडियो चालू करके और किताब खोल कर देखते रहेंगे और कई बार रिवीजन करेंगे तो ये सब याद हो जाएगा। देखिए, गालिब छूटी शराब किसका है? रविंद्र कालिया का है। जो मैंने जिया यादों का चिराग, जलती हुई नदी, ये तीन खंड में किसका है? कमलेश्वर का है। कह न जाए का कहिए, कह न जाए का कहिए किसका है? कह न जाए का कहिए ये भगवती चरण वर्मा का है। कह न जाए का कहिए, है ना, भगवान के दर्शन हो जाए तो भगवान सामने कुछ कहा जाएगा, तो ये भगवती चरण वर्मा हैं। ऐसे जोड़े रहेंगे तो ताकि आपको याद रहे। कह न जाए का कहिए भगवती चरण वर्मा का है। मुड़ मुड़ के देखता हूँ, मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव का है ना, मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ कर देखता हूँ ये राजेंद्र यादव का है। तो राजेंद्र यादव की पत्नी थी मन्नू भंडारी, तो ये मन्नू भंडारी को मुड़ मुड़ कर देख रहे थे तो अपनी आत्मकथा लिख दिए, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। ये तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ याद करने के लिए, ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं मिलता है। और वह जो यथार्थ था, और वह जो यथार्थ था ये अखिलेश का है। किसका यथार्थ था? अखिलेश का। और वह जो यथार्थ था ये अखिलेश का है। आज के अतीत, आज के अतीत भीष्म साहनी का है। आज के अतीत और मेरी साहित्यिक यात्रा, इनकी एक आत्मकथा है मेरी साहित्यिक यात्रा, किसका है? भीष्म साहनी का है। पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज, पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज अशोक वाजपेयी का है। पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज कर रहे थे कौन? अशोक वाजपेयी। मैंने मांडू नहीं देखा, मैंने मांडू नहीं देखा स्वदेश दीपक का है। मैंने मांडू नहीं देखा स्वदेश दीपक ने मांडू नहीं देखा था, मैंने मांडू नहीं देखा स्वदेश दीपक का है। बसंत से पतझड़ तक, या तो कई बार पूछा गया है, बसंत से पतझड़ तक, बसंत से पतझड़ तक रवींद्रनाथ त्यागी का है। बसंत से पतझड़ तक रवींद्रनाथ त्यागी का है। इसमें बसंत से पतझड़ तक में साहित्यकारों के 43 संस्मरण हैं। देखिए, पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया, पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया किसका है? विष्णु प्रभाकर का। पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया विष्णु प्रभाकर का है। और भूली नहीं जो यादें, भूली नहीं जो यादें किसका है? दीनदयाल, भूली नहीं जो यादें दीनदयाल मेहरोत्रा का है। सागर के इस पार से सागर के उस पार तक, सागर के इस पार से सागर के उस पार तक किसका है? कृष्ण बिहारी का है। सागर के इस पार से सागर के उस पार तक कृष्ण बिहारी का है। निराला की आत्मकथा 1970 में सूर्य प्रसाद दीक्षित का है। निराला की आत्मकथा 1970 में सूर्य प्रसाद दीक्षित का है। एक अंतहीन तलाश, एक अंतहीन तलाश किसका है? एक अंतहीन तलाश है, एक अंतहीन तलाश ये राम कमल राय का है। एक अंतहीन तलाश राम कमल राय का है। और गुजरा कहाँ कहाँ से, गुजरा कहाँ कहाँ से ये कन्हैया लाल नंदन का है। गुजरा कहाँ कहाँ से कन्हैया लाल नंदन का है। यों ही जिया देवेश ठाकुर, यों ही जिया कौन? देवेश ठाकुर। सम अहर रंग किसका है? कृष्ण बलदेव वैद्य का है। सम अहर रंग
कृष्ण बलदेव वैद्य का है, अतीत राग। अतीत राग नंद चतुर्वेदी का है। अतीत राग किसका है? नंद चतुर्वेदी का है। रेत पर खेमा, रेत पर खेमा तोताराम सनाड्य का है। रेत पर खेमा जाबिर हुसैन का है। रेत पर खेमा किसका है? जाबिर हुसैन का है। उसके बाद भूतलेन की कथा, भूतलेन की कथा किसका है? तोताराम सनाढ्य का है। देखो भूतलेन की कथा कौन कह रहा था? तोता कह रहा था, है ना? तोता भूतलेन की कथा कह रहा था, तो तोताराम सनाढ्य का है। 60 वर्ष एक रेखांकन, 60 वर्ष एक रेखांकन किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का 60 वर्ष एक रेखांकन है। उसके बाद कहाँ तक कहें युगों की बात, कहाँ तक कहें युगों की बात, ये 2012 में है मिथिलेश्वर का। और इनका पानी बीच मीन प्यासी 2010 में है मिथिलेश्वर का। पानी बीच मीन प्यासी है, जाग चेत कुछ करो उपाई 2015 में, यह भी मिथिलेश्वर का है। उसके बाद देखिए कि कमलेश्वर ने गर्दिश के दिन, कमलेश्वर ने गर्दिश के दिन शीर्षक से सन 1980 में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों के आत्मकथाओं का संपादन किया था। हिंदी के भी थे और अन्य भारतीय भाषाओं के भी थे। उसके बाद देखिए राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा व बलवंत कौर के सहयोग से, अर्चना वर्मा व बलवंत कौर के सहयोग से 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य का संपादन देहरी भई विदेश शीर्षक से 2005 में किया था। राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा और बलवंत कौर के सहयोग से 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य का, वही आत्मकथा का संपादन देहरी भई विदेश शीर्षक से 2005 में किया था। विष्णुचंद्र शर्मा ने सन 1984 में मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी थी, है ना? मुक्तिबोध की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, तो इन्होंने लिखा है मुक्तिबोध की आत्मकथा विष्णुचंद्र शर्मा ने, ये तो आत्मकथा ही है। निराला की आत्मकथा सूर्य प्रसाद दीक्षित ने 1970 में लिखा है। राजकमल चौधरी ने भैरवी तंत्र शीर्षक से आत्मकथा लिखी। रामदरस मिश्र ने अपनी आत्मकथा को समय है सहचर शीर्षक से 1991 में प्रकाशित कराया था। इसको तो पढ़ चुके हो आप। उसके बाद देखिए कि रामविलास शर्मा ने, है ना, ये तो रामदरस मिश्र ने अपनी आत्मकथा समय है सहचर के नाम से 1991 में, रामविलास शर्मा ने 3 भागों में प्रकाशित आत्मकथा को अपनी धरती अपने लोक शीर्षक से प्रकाशित कराया था। तो इसको भी तो पढ़ चुके हो। और देखिए, अच्छा दिख नहीं रहा था, फिर से देख लीजिए। यहाँ रामदरस मिश्र ने अपनी आत्मकथा समय है सहचर शीर्षक से 1991 में, और रामविलास शर्मा ने अपनी आत्मकथा जो कि 3 भाग में थी इनकी, तो अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से 1996 में प्रकाशित कराया था। कम वक्त निंदर किसका है? ये 2013 में नरेंद्र मोहन का है। कम वक्त निंदर नरेंद्र मोहन का है। आत्मस्वीकृत किसका है? नरेंद्र कोहली का है। आत्मस्वीकृत नरेंद्र कोहली का है। उसके बाद क्या हाल सुनावा, ये आत्मस्वीकृत है
2014 में नरेंद्र कोहली का, क्या हाल सुनावा ये 2015 में इन्हीं का है, नरेंद्र कोहली का ही है। उसके बाद कुछ और भी हैं आत्मकथाएं, जिसमें ये कितनी धूप में कितनी बार है ना, कितनी धूप में कितनी बार, ये महीप सिंह का है, आप देख लीजिए यहाँ कितनी धूप में कितनी बार है, महीप सिंह का है। और हृदेश का है जोखिम, जोखिम जो है ये हृदेश का है। आलोचक का आकाश मधुरेश का है, जोखिम किसका है हृदेश का है, और आलोचक का आकाश किसका है मधुरेश का है। तो अब आप लोग देखिए दलित आत्मकथा, दलित आत्मकथा देखिए, सन 1995 में प्रकाशित मोहनदास नैमिसराय कृत अपने अपने पिंजरे, अपने अपने पिंजरे किसका, यही हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है ना, अपने अपने पिंजरे हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा है, किसकी है मोहनदास नैमिसराय कृत है। और देखिए कि मोहनदास नैमिसराय कृत अपने अपने पिंजरे 1995 में है, और इसका जो दूसरा भाग था अपने अपने पिंजरे का, ये 2000 में था है ना, ये दो भागों में है, अपने अपने पिंजरे दो भागों में है। तो पहला भाग 1995 में और दूसरा भाग जो था वो 2000 में। जूठन 1997 में, यह भी दो भागों में है, इसका दूसरा भाग 15 में आया था, 1915 में। ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, जूठन किसका है ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। और देखिए दोहरा अभिशाप, दोहरा अभिशाप कौशल्या वैसंती का है, दोहरा अभिशाप कौशल्या वैसंती का है, ये तो आपको याद ही रहेगा, इसको तो आप जोड़ ही ले जाएंगे, कौशल्या से जोड़ लेंगे, राम से हो जाएगा दोहरा अभिशाप। उसके बाद देखिए झोपड़ी में राजभवन, जो झोपड़ी में राजभवन किसका है माता प्रसाद का है, झोपड़ी में राजभवन माता प्रसाद का है। तिरस्कृत, तिरस्कृत और संतप्त किसका है सूरजपाल सिंह चौहान का है, तिरस्कृत और संतप्त सूरजपाल सिंह चौहान का है। इसको याद कर लेंगे, जैसे सूरज कोई व्यक्ति है और वह सबकी नज़रों में तिरस्कृत है, और उससे वह दुखी है, संतप्त है ना, दुखी नहीं तिरस्कृत है, इसलिए वह संतप्त है, सूरजपाल सिंह चौहान। बेवक्त गुजर गया माली, बेवक्त गुजर गया माली शिवराज सिंह बेचैन का है। अब मेरा बचपन मेरे कंधों पर है ना, मेरा बचपन मेरे कंधों पर किसका है शिवराज सिंह बेचैन का है, मेरा बचपन मेरे कंधों पर शिवराज सिंह बेचैन का है। और देखिए कि घुटन, घुटन किसका है रमा शंकर आर्य का है, घुटन 2005 में रमा शंकर आर्य का है। मुर्दहिया का प्रथम भाग 2010 में, और मणिकर्णिका 2000, ये इसमें रामचंद्र तिवारी में 2014 दिया है, किसका है भैया तुलसी राम का है ना, मुर्दहिया और मणिकर्णिका तुलसी राम का है। मेरा सफर मेरी मंजिल, मेरा सफर मेरी मंजिल डी आर जाटव, मेरा सफर मेरी मंजिल डी आर जाटव का है। और देखिए दलित आत्मकथाएं, अच्छा इधर जो हमने दलित आत्मकथा के पास में जोखिम हृदय का
और आलोचक का आकाश मधुरेश का, कितनी धूप में कितनी बार महीप सिंह का, ये सिर्फ इधर लिख दिए हैं, ये दलित आत्मकथा नहीं है क्योंकि और कहीं पर जगह नहीं थी लिखने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। दलित आत्मकथा ये नहीं है, इसीलिए हमने आपको पहले इसको पढ़ाकर तब दलित आत्मकथा बताया है। तो देखिए ये दलित आत्मकथा है छोरा कोल्हाटी किसका है, तो किशोर शांताबाई काले का है। छोरा कोल्हाटी किशोर शांताबाई काले का है। नाग फनी मेरे जीवन की बाइबिल है ना, ये भी दो भागों में है, नाग फनी और मेरे जीवन की बाइबिल। रूप नारायण सोनकर का है। नाग फनी मेरे जीवन की बाइबिल रूप नारायण सोनकर का है। मेरी पत्नी और भेड़िया 2010 में, ये धर्मवीर का है ना, ये डॉक्टर धर्मवीर हैं, धर्मवीर भारती नहीं है, ये धर्मवीर का है। सिकंजे का दर्द 2012 में किसका है, सुशीला टक भोरे का है। सिकंजे का दर्द सुशीला टक भोरे का है। और इसको आप छोड़ दीजिए, ये हमें बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी गद्य की गौण विधाओं में जीवनी विधा है ना, कौन सी विधा पढ़ेंगे, जीवनी विधा। तो देखिए गोपाल शर्मा शास्त्री की जीवनी है, मतलब गोपाल शर्मा शास्त्री ने लिखा है जीवनी। आत्मकथा लेखक स्वयं लिखता है लेकिन जीवनी अन्य के द्वारा लिखा जाता है ना, जीवनी स्वयं लेखक नहीं लिखते हैं। और जीवनी विधा को पर कथा भी कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे जीवनी को पर कथा भी कहा जाता है। तो यहाँ देखिए दयानंद दिग्विजय ये किसकी जीवनी है, गोपाल शर्मा शास्त्री की है। यही प्रथम जीवनी भी मानी जाती है, प्रथम जीवनी विधा यही माना जाता है गोपाल शर्मा शास्त्री का। तो दयानंद दिग्विजय की जीवनी है ना। और देख लीजिए यहाँ पर कि दयानंद प्रकाश 1919 में, दयानंद प्रकाश किसका है, स्वामी सत्यानंद का है दयानंद प्रकाश। और स्वामी दयानंद चिम्मन लाल वैश्य का है। तो ये रामचंद्र तिवारी के बुक में, रामचंद्र तिवारी में जहाँ जीवनी विधा शुरुआत होता है वहीं पर ये दिया गया है, तो हो सकता है पूछा जाए, तो इसलिए आप इसको भी देख लीजिए। और देखिए कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र किसकी जीवनी है, बाबू राधा कृष्ण दास की है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र बाबू राधा कृष्ण दास का है। हरिश्चंद्र किसकी जीवनी है, हरिश्चंद्र शिवनंदन का है ना। और बाबू राधा कृष्ण दास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। बाबू राधा कृष्ण दास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो फिर से देख लीजिए कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र बाबू राधा कृष्ण दास का है। हरिश्चंद्र किसका है शिवनंदन का है। अब बाबू राधा कृष्ण दास की जीवनी किसने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। बाबू राधा कृष्ण दास जीवनी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। अब बाबू राधा कृष्ण दास ने भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की जीवनी लिखा है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए बापू
बापू जीवनी किसकी है? घनश्याम दास बिड़ला की है। बापू जीवनी घनश्याम दास बिड़ला की है। बापू के कारावास की कहानी, बापू के कारावास की कहानी किसका है? बापू के कारावास की कहानी है सुशीला नायर का। बापू के कारावास की कहानी है सुशीला नायर का है। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसका है भैया? ब्रज रत्न दास का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ब्रज रत्न दास का है। तो हम आपको इसको बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, उनको ध्यान में रखकर जो विद्यार्थी पहली बार तैयारी कर रहे हैं टीजी पीजी की, तो और जो कई बार पढ़ चुके हैं, एकाध नंबर से जिनका रुक गया है, तो वो वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर इसका रिवीजन कर लेंगे। और जो नए विद्यार्थी भी हैं, जब आपको याद हो जाए तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर इसको रिवीजन की तरह बार बार सुन सकते हैं, क्योंकि कितना भी इसको पढ़ो ये भूल ही जाता है ना। तो लेकिन ये भी है कि बार बार पढ़ने से याद भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि भूल ही जाएगा। देखिए, और ये समस्या सबके साथ होती है, कोई नया नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष के साथ ही होता है, सबके साथ यही होता है। आप कितना भी पढ़िए एक दो महीने, और उसके बाद कुछ दिन आप 15-20 दिन ना पढ़िए, तो जैसे लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो बार बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसका है? ब्रज रत्न दास का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ब्रज रत्न दास का है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी किसका है? रामचंद्र वर्मा का है। महात्मा गांधी रामचंद्र वर्मा का है। और इसी के साथ में और याद रखेंगे कि महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ये महात्मा गांधी इनका भी है, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज का भी है महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज का भी है, और महात्मा गांधी जीवनी चंपारण में महात्मा गांधी ऐसे है ना। महात्मा गांधी इनका ज्योति प्रसाद मिश्र का भी है, निर्मल है, ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल इनका भी है महात्मा गांधी, ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल, और लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज इनका है, और इधर इनका रामचंद्र वर्मा का है। तीन लोगों को, तो तीन लोगों का ये महात्मा गांधी हो गया। और याद रखेंगे कि चंपारण में महात्मा गांधी है ना, चंपारण में महात्मा गांधी किसका है? राजेंद्र प्रसाद का है ना। चंपारण में राजेंद्र प्रसाद हैं। देखिए, उसके बाद देखिए कि चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद ये जीवनी किसकी है? मन्मथनाथ गुप्त की, मन्मथनाथ गुप्त ने लिखा है ना। तो चंद्रशेखर आज़ाद और गुरु नानक की ये जीवनी विधा किसने लिखा है? मन्मथनाथ गुप्त ने लिखा है। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण राम वृक्ष बेनीपुरी का है। जयप्रकाश नारायण जीवनी किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये जीवनी किसकी है? बलराज मधोक की है ना, बलराज मधोक ने लिखा है। और स्टालिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन, लेनिन स्टालिन, देखिए स्टालिन कार्ल मार्क्स लेनिन किसका है? राहुल सांकृत्यायन का है। और माओत सेतुंग, माओत सेतुंग किसका है?
ये भी राहुल सांकृत्यायन का है। माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी जीवनी विधा किसकी है? ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ, ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ का है। और श्री शंकराचार्य, श्री शंकराचार्य जीवनी किसकी है? बलदेव उपाध्याय का है श्री शंकराचार्य। अकाल पुरुष गांधी, अकाल पुरुष गांधी जीवनी किसकी है? जैनेन्द्र की है। अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र का है। योद्धा सन्यासी विवेकानंद, योद्धा सन्यासी विवेकानंद किसका है भैया? हंसराज रहबर का है। योद्धा सन्यासी विवेकानंद हंसराज रहबर का है। और देखिए राष्ट्र नायक गुरु गोविंद सिंह, ये यहाँ देखिए राष्ट्र नायक गुरु गोविंद सिंह भी किसका है? तो हंसराज रहबर का है। राष्ट्र नायक गुरु गोविंद सिंह हंसराज रहबर का है। और देखिए कि उत्तर योगी श्री अरविंद, उत्तर योगी श्री अरविंद डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का है। उत्तर योगी श्री अरविंद डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का है। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जीवनी विधा किसकी है? अमृतलाल नागर, चैतन्य महाप्रभु जीवनी अमृतलाल नागर का है। मेरे जीवन में गांधी है ना, तो इसमें से मेरे जीवन में दिया गया है गांधी नहीं, जबकि इसका पूरा नाम है मेरे जीवन में गांधी घनश्याम दास बिड़ला का है। मेरे जीवन में गांधी घनश्याम दास बिड़ला का है। अब बापू भी इन्हीं का है, घनश्याम दास बिड़ला का बापू भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व किसका है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व है चंद्रशेखर शुक्ल का है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व चंद्रशेखर शुक्ल का है। मानव पुत्र ईसा जीवन और दर्शन, मानव पुत्र ईसा जीवन और दर्शन किसका है? डॉक्टर रघुवंश का है। मानव पुत्र ईसा जीवन और दर्शन डॉक्टर रघुवंश का है। मानव पुत्र ईसा जीवन और दर्शन डॉक्टर रघुवंश का है। और मार्क्स त्रोत्स्की और एशियाई समाज, देख लीजिए मार्क्स त्रोत्स्की और एशियाई समाज किसका है? रामविलास शर्मा का है। मरुभूमि का वह मेघ, मरुभूमि का वह मेघ ये राम निवास जाजू ने लिखा है। जीवनी इसमें किसकी है? घनश्याम दास बिड़ला की जीवनी है। मरुभूमि का वह मेघ घनश्याम दास बिड़ला की जीवनी है, लेकिन लिखा किसने है ना। मतलब जीवनी विधा ये लिखा तो है राम निवास जाजू का, लेकिन इसमें जीवनी किसके बारे में लिखा गया है? घनश्याम दास बिड़ला के बारे में लिखा गया है। प्रेमचंद्र घर में, शिवरानी देवी, प्रेमचंद्र घर में शिवरानी देवी का है। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा है, यह भी प्रेमचंद्र की जीवनी है। कलम का मजदूर, इसका सन भी याद कर लेंगे क्योंकि बहुत चर्चित है ये, 1962 में है। कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा है, प्रेमचंद्र की जीवनी है। कलम का मजदूर, कलम का मजदूर किसका है? 1964 में है ये, मदन गोपाल का। देखो मजदूर और मदन याद कर लेंगे। मनीषी की लोक यात्रा, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? भगवती प्रसाद सिंह की है। मनीषी की लोक यात्रा भगवती प्रसाद सिंह की जीवनी है। निराला की साहित्य साधना 3 भागों में रामविलास शर्मा का है। निराला की साहित्य साधना 3 भागों में रामविलास शर्मा का है। आवारा मसीहा,
अवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है, ये जीवनी विधा विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। और इसमें ये किसकी जीवनी है, तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, जो बंगला के साहित्यकार थे, बंगला के ही तो थे। हाँ, उसके बाद देखिए आवारा मसीहा सर इनका विष्णु प्रभाकर का है। उसके बाद है सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य, सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य किसका है, शांति जोशी का है। इसमें हमको कुछ संदेह लग रहा है, कभी कभी बहुत सी आसान सी चीज़ों में भी संदेह हो जाता है। देखिए सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य किसका है, शांति जोशी का है। सुमित्रानंदन पंत शांति जोशी का है। और दिनकर एक सहज पुरुष, दिनकर एक सहज पुरुष शिवसागर मिश्र का है, दिनकर एक सहज पुरुष शिवसागर मिश्र का है। और बाबूजी ये नागार्जुन की जीवनी है, इसको शोभाकांत ने लिखा है। अग्निसेतु नजरुल इस्लाम की जीवनी है, इसको विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखा है। जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर का है, जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर का है। मेरे बड़े भाई शमशेर जी तेज बहादुर चौधरी का है। महामानो महापंडित ये राहुल सांस्कृत्यायन की जीवनी है, कमला सांस्कृत्यायन ने लिखा है। इसका शुद्ध सांस्कृत्यायन होना चाहिए। उसके बाद देखिए समय साम्यवादी किसका है, ये महामानव महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन का है। और समय साम्यवादी ये राहुल सांस्कृत्यायन की जीवनी है, विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखा है। समय साम्यवादी प्यारे हरिचंद्र जू किसकी जीवनी है, ये हरिश्चंद्र की जीवनी है और लिखा है इसको प्रतिभा अग्रवाल ने लिखा है। देखिए भारतेंदु के फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास थे, है ना, भारतेंदु के फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास थे। और ये प्रतिभा अग्रवाल जो हैं ये राधा कृष्ण दास की दौहित्री थी, समझ रहे हैं, लड़की की लड़की थी प्रतिभा अग्रवाल। तो इन्होंने लिखा है प्यारे हरीश चंद्र जू। रांगे राघव एक अंतरंग परिचय किसका है, सुलोचना रांगे का है। राजेंद्र यादव मदन मोहन ठाकुर ने लिखा है। मदन मोहन ठाकुर के घरेलू संबंध थे और इन्होंने लिखा है। स्मृति के झरोखे से ये भारत भूषण अग्रवाल की जीवनी है ना। स्मृति के झरोखे से किसने लिखा है, बिंदु अग्रवाल ने लिखा है। कथा शेष अमृतलाल नागर की जीवनी है, चार भागों में ज्ञानचंद्र जैन ने लिखा है, इनके मित्र थे अमृतलाल नागर के। उत्सव पुरुष नरेश मेहता ये महिमा मेहता ने लिखा है। इनकी जीवनी। उसके बाद देखिए वट वृक्ष की छाया में ये अमृतलाल नागर की जीवनी है, इसको कुमुद नागर ने लिखा है, ये इनकी पुत्री थी कुमुद नागर अमृतलाल नागर की। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र
भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र। ये जीवनी किसने लिखा है? ज्ञानचंद्र जैन ने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र। कमलेश्वर मेरे हम सफर, कमलेश्वर मेरे हम सफर किसने लिखा है? गायत्री कमलेश्वर ने लिखा है, इनकी पत्नी थी। कल्पतरु की उत्सव लीला, कल्पतरु की उत्सव लीला कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा है। ये राम कृष्ण परमहंस की जीवनी है, है ना, राम कृष्ण परमहंस की जीवनी है। उसके बाद देखिए कि आलोचक का स्वदेश, आलोचक का स्वदेश किसने लिखा है? विजय बहादुर मिश्र ने लिखा है, आलोचक का स्वदेश। मंटो जिंदा है, मंटो जिंदा है नरेंद्र मोहन ने लिखा है। ये जीवनी है, मंटो जिंदा है नरेंद्र मोहन ने लिखा है। कोलाज अशोक वाजपेयी, देखिए कोलाज अशोक वाजपेयी किसने लिखा है? तो पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लिखा है। कोलाज अशोक वाजपेयी पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लिखा है। मकबूल, मकबूल किसने लिखा है? अखिलेश ने लिखा है, मकबूल अखिलेश का है। शिखर से सागर तक, शिखर से सागर तक किसकी जीवनी है? अज्ञेय की, मतलब इसमें जीवनी अज्ञेय की है और लिखा है इसको राम कमल राय ने लिखा है। हिंदी के प्रथम जीवनीकार कौन हैं? गोपाल शर्मा शास्त्री हैं। गोपाल शर्मा शास्त्री की जीवनी कौन सी है? दयानंद दिग्विजय है, है ना। तो अब हम लोग यात्रा साहित्य, यात्रा साहित्य नहीं, इसके आगे हम लोग पहले पढ़ते हैं संस्मरण और रिपोर्टाज। अब हम लोग संस्मरण पढ़ेंगे, तो क्लास बहुत लंबी हो रही है तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार कौन है? पद्म सिंह शर्मा है। इनकी प्रमुख रचना पद्म पराग सन 1929 में प्रकाशित हुई थी। पद्म पराग, तो प्रथम जो जीवन संस्मरण है यही पद्म पराग ही है। उसके बाद देखिए पद्म सिंह शर्मा का क्या है? पद्म पराग है, पद्म पराग है, है ना, पद्म, पद्म नहीं होगा, पद्म पराग, ठीक। उसके बाद प्रबंध मंजरी है ना, प्रबंध मंजरी पद्म सिंह शर्मा का, पद्म सिंह शर्मा का है। और शिकार प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, शिकार प्राणों का सौदा जंगल के जीव वो जीते कैसे हैं, सन 42 के संस्मरण इनका श्री राम शर्मा का है। शिकार प्राणों का सौदा जंगल के जीव वो जीते कैसे हैं, सन 42 के संस्मरण श्री राम शर्मा का है। क्रांति युग के संस्मरण, क्रांति युग के संस्मरण मन्मथ नाथ गुप्त का है, क्रांति युग के संस्मरण मन्मथ नाथ गुप्त का है। झलक, झलक किसका है? शिवनारायण टंडन, झलक शिवनारायण टंडन का है। बापू, अब यहाँ आप जीवनी में पढ़ चुके हो ना, और वही यहाँ संस्मरण में दिया गया है कि घनश्याम दास बिरला का है बापू, तो ध्यान रखिएगा कि जीवनी विधा के भी अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए 30 दिन मालवीय जी के साथ, 30 दिन मालवीय जी के साथ कौन थे? राम नरेश त्रिपाठी, 30 दिन मालवीय जी के साथ, ये संस्मरण है। हमारे आराध्य संस्मरण, हमारे आराध्य संस्मरण बनारसीदास चतुर्वेदी का है। एक तो हमारे आराध्य, दूसरा संस्मरण, ऐसे जोड़ के याद करें, हमारे आराध्य संस्मरण, हमारे आराध्य संस्मरण बनारसीदास चतुर्वेदी। टूटा तारा, टूटा तारा राधिका रमण प्रसाद सिंह का टूटा तारा, टूटा तारा राधिका रमण प्रसाद सिंह। पथ के साथी, पथ के साथी कब है इसका डेट भी ध्यान रखेंगे, 1956 में महादेवी वर्मा का है। पथ के साथी 1956 में महादेवी वर्मा का है। गांधी संस्मरण और विचार, गांधी संस्मरण और विचार किसका है? काका साहब कालेलकर का है, है ना। गांधी से याद आया कि आत्मकथा में
है कर्मवीर गांधी। कर्मवीर गांधी संपूर्णानंद का है ना, ध्यान रखेंगे, आत्मकथा है कर्मवीर गांधी संपूर्णानंद का। और सॉरी कर्मवीर नहीं, धर्मवीर गांधी। धर्मवीर गांधी किसका है, संपूर्णानंद का है। और कर्मवीर गांधी है मुकुंदी लाल का है, किसका है, मुकुंदी लाल वर्मा का है कर्मवीर गांधी। और धर्मवीर गांधी है संपूर्णानंद का, ये आत्मकथा है, जीवनी नहीं, जीवनी बोल दिया क्या मैंने, आत्मकथा है। आत्मकथा नहीं है भैया, जीवनी ही है ना, जीवनी ही है, एकदम क्लियर सही है, रामचंद्र तिवारी की बुक में आप देख सकते हैं, जीवनी ही है। धर्मवीर गांधी संपूर्णानंद का है और कर्मवीर गांधी है मुकुंदी लाल वर्मा का है। आइए यहाँ देखते हैं, बच्चन निकट से। बच्चन निकट से किसका है, अजित कुमार और ओमकार नाथ का है, सहयोगी लेखक हैं दोनों लोग, साथ में इसको लिखे हैं, संपादन किए हैं। बच्चन निकट से अजित कुमार और ओमकार नाथ का है। उसके बाद देखिए ये और वे, ये और वे जैनेन्द्र कुमार का है, ये और वे जैनेन्द्र कुमार का संस्मरण है। जंजीरे और दीवारे राम वृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण है, जंजीरे और दीवारे राम वृक्ष बेनीपुरी का है। बचपन की स्मृतियाँ जिनका मैं कृतज्ञ, बचपन की स्मृतियाँ जिनका मैं कृतज्ञ राहुल सांस्कृत्यायन का है, बचपन की स्मृतियाँ जिनका मैं कृतज्ञ राहुल सांस्कृत्यायन का है। और एल्बम, एल्बम किसका है, सत्यजीवन वर्मा भारती का संस्मरण है, एल्बम सत्यजीवन वर्मा भारती का संस्मरण है। लंका महाराजिन, लंका महाराजिन ओमकार ओमकार शरद का है, लंका महाराजिन ओमकार शरद का है। लंका महाराजिन ओमकार शरद का है। उसके बाद देखिए कि मैं भूल नहीं सकता किसको नहीं भूल सकते, मैं भूल नहीं सकता कैलाश नाथ काटजू, मैं भूल नहीं सकता कैलाश नाथ काटजू का संस्मरण है। मंटो मेरा दुश्मन, मंटो मेरा दुश्मन ज़्यादा अपनी कम पराई, उपेंद्रनाथ अस्क का है। मंटो मेरा दुश्मन ज़्यादा अपनी कम पराई, उपेंद्रनाथ अस्क का है। अब इसी के साथ में याद रखेंगे मंटो जिंदा है, मंटो जिंदा है, ये जीवनी किसकी है, नरेंद्र मोहन की है। मंटो जिंदा है जीवनी नरेंद्र मोहन की है। और स्मृत कण सेठ गोविंद दास, स्मृत कण किसका है, सेठ गोविंद दास का है। मैं इनका ऋणी हूँ ये इंद्र विद्या वाचस्पति का है ना, मैं इनका ऋणी हूँ, मैं किसका ऋणी हूँ, मैं विद्या का ऋणी हूँ, तो मैं इनका ऋणी हूँ इंद्र विद्या वाचस्पति का है। प्रसाद और उनके समकालीन, प्रसाद और उनके समकालीन कौन थे, विनोद शंकर व्यास थे। प्रसाद और उनके समकालीन संस्मरण विनोद शंकर व्यास। नए पुराने झरोखे ये इनका निबंध विधा में भी आता है, हरिवंश राय बच्चन का है नए पुराने झरोखे। कुछ स्मृतियाँ और स्फुट विचार, कुछ स्मृतियाँ और स्फुट विचार किसका है, संपूर्णानंद का है। उसके बाद देखिए कि जाने अनजाने है ना, जाने अनजाने विष्णु प्रभाकर, जाने अनजाने विष्णु प्रभाकर। यादों की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर। मेरे अग्रज मेरे मीत विष्णु प्रभाकर, मेरे अग्रज मेरे मीत विष्णु प्रभाकर। समांतर रेखाएं विष्णु प्रभाकर। हम इनके ऋणी हैं विष्णु प्रभाकर। और देखो मैं इनका ऋणी हूँ विद्यावाचस्पति का है ना, ऊपर देख लीजिएगा आप। तो
हम इनके ऋणी हैं विष्णु प्रभाकर। एक दिशाहीन सफर किसका है? विष्णु प्रभाकर का। साहित्य के स्वप्न पुरुष विष्णु प्रभाकर। चलते चलते विष्णु प्रभाकर। हमारे पथ प्रदर्शक विष्णु प्रभाकर। हम सफर मिलते हैं विष्णु प्रभाकर का है। तो जिनको नहीं दिख रहा है, आप सरस्वती पांडे की बुक खोल कर देख सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, ये थोड़ा सृजन के सेतु विष्णु प्रभाकर। आकाश एक है विष्णु प्रभाकर। यादों की छाँव में विष्णु प्रभाकर का है। उसके बाद देखिए शिव पूजन सहाय का है। वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय का है। और ये और वे किसका है? जैनेन्द्र कुमार का है। स्मृतियां और कृतियां हैं शांतिप्रिय द्विवेदी का है। लोकदेव नेहरू और स्मरण और श्रद्धांजलियां किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है। लोकदेव नेहरू है और स्मरण और श्रद्धांजलियां ये रामधारी सिंह दिनकर का है। जिंदगी मुस्काई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। भूले हुए चेहरे भी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। पुरानी स्मृतियां किसका है? पुरानी स्मृतियां प्रकाश चंद्र गुप्त का है। गांधी संस्मरण और विचार किसका है? काका कालेलकर का है। व्यक्तित्व की झांकियां लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है। अंतिम अध्याय किसका है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। स्मृति की त्रिवेणिका लक्ष्मी शंकर व्यास का है। चंद संतरे और अनीता राकेश का है। मेरे हमदम मेरे दोस्त ये कमलेश्वर का है। ये जीवनी विधा में भी आप इसको पढ़ चुके हैं। रेखाएं और संस्मरण किसका है? लक्ष्मी शंकर व्यास का। चंद संतरे और अनीता राकेश, मेरे हमदम मेरे दोस्त कमलेश्वर, रेखाएं और संस्मरण क्षेम चंद्र सुमन का है। मैंने स्मृत के दीप जलाए रामनाथ सुमन। किसने स्मृत के दीप जलाए? रामनाथ सुमन। बीती यादें परिपूर्णानंद की। स्मरण को पाथेय बनने दो। विष्णुकांत शास्त्री सुधिया उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री का है। पर साथ साथ चल रही याद विष्णुकांत शास्त्री का है।
कुछ ख्वाबों कुछ ख्यालों में, कुछ ख्वाबों और कुछ ख्यालों में कौन है? शंकर दयाल सिंह, है ना। कुछ ख्वाबों और ख्यालों में कौन है? शंकर दयाल सिंह हैं। अतीत के गर्त से हम खंडहर के वासी और अतीत के गर्त से किसका है? भगवती चरण वर्मा का है ना, भगवती चरण वर्मा का है। उसके बाद देखिए श्रद्धांजलि स्मरण, देखिए श्रद्धांजलि स्मरण किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। श्रद्धांजलि स्मरण मैथिली शरण गुप्त का है। पुनः पुनः किसका है? संस्मरण पुनः किसका है? सुलोचना रांगे राघव का है। यादों के झरोखे, पुनः रांगे राघव और सुलोचना रांगे राघव का है। यादों के झरोखे संस्मरण किसका है? कुंवर सुरेश सिंह का है। यादों के झरोखे कुंवर सुरेश सिंह का है। औरों के बहाने वे देवता नहीं हैं, राजेंद्र यादव। औरों के बहाने और वे देवता नहीं हैं किसका है? राजेंद्र यादव का है। औरों के बहाने वे देवता नहीं हैं, ये संस्मरण किसका है? राजेंद्र यादव का है। उसके बाद जिनके साथ जिया, जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर का है। सृजन के सुख दुख प्रतिभा अग्रवाल, सृजन के सुख दुख प्रतिभा अग्रवाल का है। सृजन के सुख दुख प्रतिभा अग्रवाल का है। युग पुरुष किसका है? रामेश्वर शुक्ल अंचल का। युग पुरुष रामेश्वर शुक्ल अंचल का संस्मरण है। दीवान खाना मितवा घर अमराई, दीवान खाना मितवा घर अमराई किसका है? पद्मा सच देवा का है। दीवान खाना मितवा घर अमराई पद्मा सच देवा का है। दीवान खाना मितवा घर अमराई किसका है? पद्मा सच देवा का है। स्मृत लेखा अज्ञेय का है ना। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी स्मृत लेखा अज्ञेय का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण कमल किशोर गोयन का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण कमल किशोर गोयन का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण है कमल किशोर गोयन का है। उसके बाद देखिए कि भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं, भारत भूषण अग्रवाल का कुछ यादें कुछ चर्चाएं किसका है? बिंदु अग्रवाल का है। यादें और बातें भी बिंदु अग्रवाल का है। भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं, है ना, ये पूरा एक ही है। भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं किसका है? तो बिंदु अग्रवाल का है। यादें और बातें बिंदु अग्रवाल का है। याद हो कि ना याद हो काशीनाथ सिंह, आछे के दिन पाछे गए काशीनाथ, आछे के दिन पाछे भय काशीनाथ सिंह का है, है ना। याद हो कि ना याद हो काशीनाथ सिंह, आछे के दिन पाछे भय काशीनाथ सिंह का है। घर का जोगी जोगड़ा, घर का जोगी जोगड़ा काशीनाथ सिंह का है। निकट मन में, निकट मन में अजित कुमार का है। और निकट मन में दूर बन में अजित कुमार का है। लाहौर से लखनऊ तक प्रकाशवती पाल का है। इसमें यशपाल के संस्मरण लिखे गए हैं लाहौर से लखनऊ तक। सप्तपर्णी गिरिराज किशोर का है, सप्तपर्णी गिरिराज किशोर का है। लौट आओ धार एक शमशेर भी है, दूधनाथ सिंह का है। स्मृतियों का छंद और अपने अपने रास्ते, स्मृतियों का छंद अपने अपने रास्ते किसका है? स्मृतियों का छंद और अपने अपने रास्ते ये रामदरस मिश्र का है। स्मृतियों का छंद अपने अपने रास्ते रामदरस मिश्र का है। अतीत जीवी,
अतीत जीवी, अतीत जीवी किसका है? प्रफुल्ल चंद्र ओझा का है, अतीत जीवी प्रफुल्ल चंद्र ओझा। सृजन के सहयात्री, सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया का है, सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया का है। अभिन्न, अभिन्न विष्णुचंद शर्मा का है, अभिन्न विष्णुचंद शर्मा का है। हम हस्मत भाग, हम हस्मत भाग दो, हम हस्मत भाग तीन, ये कृष्णा सोबती का है। शब्दों के आलोक में, शब्दों के आलोक में कृष्णा सोबती, सोबती एक सोहबत, सोबती एक सोहबत किसका है? कृष्णा सोबती का है। याद बातें हैं, याद बातें हैं रामनाथ अवस्थी, याद बातें हैं रामनाथ अवस्थी। नेपथ्य नायक लक्ष्मीचंद्र जैन, नेपथ्य नायक लक्ष्मीचंद्र जैन मनोहर किशोर दीवान का है। यादों के काफिले देवेंद्र सत्यार्थी, यादों के काफिले देवेंद्र सत्यार्थी का है। अंतरंग संस्मरणों में प्रसाद, अंतरंग संस्मरणों में प्रसाद किसका है? पुरुषोत्तम दास मोदी का है। अंतरंग संस्मरणों में प्रसाद पुरुषोत्तम दास मोदी का है। एक नाव के यात्री, एक नाव के यात्री ये संस्मरण भी है और ये यात्रा साहित्य में भी आता है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है। चिड़िया रैन बसेरा, चिड़िया रैन बसेरा विद्यानिवास मिश्र का है, चिड़िया रैन बसेरा विद्यानिवास मिश्र का है। लखनऊ मेरा लखनऊ, लखनऊ मेरा लखनऊ मनोहर श्याम जोशी का है। और रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण, ये देखिए रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने, रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण किसका है? मनोहर श्याम जोशी का है। और बातों बातों में, बातों बातों में किसका है? यह भी मनोहर श्याम जोशी का है बातों बातों में। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन अभी हम लोग रिपोर्टाज भी पढ़ेंगे। देखिए हंस बलाका, हंस बलाका किसका है? जानकी वल्लभ शास्त्री का है। लौट आना नहीं होगा, लौट आना नहीं होगा तुम्हारा परसाई, लौट आना नहीं होगा और तुम्हारा परसाई। जो कहूँगा सच कहूँगा, जो कहूँगा सच कहूँगा, अब तो बात फैल गई, अब तो बात फैल गई। और बैकुंठपुर में बचपन, बैकुंठपुर में बचपन किसका है? कांति कुमार जैन का है। लौट आना नहीं होगा तुम्हारा परसाई, जो कहूँगा सच कहूँगा, अब तो बात फैल गई। बैकुंठपुर में बचपन ये कांति कुमार जैन का है। नेह के नाते अनेक, नेह के नाते अनेक कृष्ण बिहारी मिश्र का है, नेह के नाते अनेक कृष्ण बिहारी मिश्र का है। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष किसका है? राम कमल राय का है, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष राम कमल राय का है। आंगन के बंदरवार मेरे सुहृदय श्रद्धे, आंगन के बंदरवार मेरे सुहृदय श्रद्धे किसका है? डॉक्टर विवेकी राय का है। आंगन के बंदरवार मेरे सुहृदय श्रद्धे डॉक्टर विवेकी राय का है। लाई हयात लाई, लाई हयात लाए लक्ष्मीधर मालवीय का है। नंगा तलाई का गांव ब्योमकेश दरवेश, गंगा स्नान करने चलोगे? नंगा तलाई का गांव ब्योमकेश दरवेश, गंगा स्नान करने चलोगे विश्वनाथ त्रिपाठी का है। सुमिरन के बहाने, सुमिरन के बहाने केशव चंद वर्मा, सुमिरन के बहाने केशव चंद वर्मा, सुमिरन के बहाने केशव चंद वर्मा का है। कुछ यादें कुछ बातें, कुछ यादें कुछ बातें, कुछ यादें कुछ बातें अमरकांत, कुछ यादें कुछ बातें अमरकांत। किस पथ आए तुम्हारी करुणा, किस पथ आए तुम्हारी करुणा नवनीता देवसेन का है। नवनीता देवसेन का संस्मरण है किस पथ आए तुम्हारी करुणा। अनसुनी आवाजें, अनसुनी आवाजें हर्षमंदर का है, अनसुनी आवाजें हर्षमंदर का है। कथाशेष, कथाशेष ये जीवनी में भी है, जीवनी विधा के अंतर्गत भी आता है, अमृतलाल नागर की जीवनी है और ज्ञानचंद्र जैन ने लिखा है, इनके मित्र थे।
JNU में नामवर सिंह, JNU में नामवर सिंह सुमन केसरी का है ना। और लोंगा जो आगे है, लोंगा जो आगे है अतीत का चेहरा, डोला बीवी का मजार, डोला बीवी का मजार जाबिर हुसैन का है। आलाप और अंतरंग, आलाप और अंतरंग गोविंद प्रसाद का है। आलाप और अंतरंग किसका है? गोविंद प्रसाद का। वातायन, वातायन गौरापंत शिवानी का है। वातायन गौरापंत शिवानी का है। बन तुलसी की गंध, बन तुलसी की गंध समय की शिला पर, बन तुलसी की गंध समय की शिला पर फणीश्वर नाथ रेणु का है। ठेले पर हिमालय, ये निबंध के अंतर्गत भी आता है और यात्रा साहित्य के भी अंतर्गत आता है। ठेले पर हिमालय ये इनका संस्मरण में भी दिया गया है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का है। ज्ञान रंजन के बहाने, ज्ञान रंजन के बहाने नीलाभ अस्क का है। ज्ञान रंजन के बहाने नीलाभ अस्क का है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिपोर्टाज। देखिए रिपोर्टाज फ्रांसीसी शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। रिपोर्टाज के जनक रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनबर्ग को माना जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक कौन है? शिवदान सिंह चौहान है। और रूपाभ पत्रिका दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। ठीक, ये लक्ष्मीपुरा, ये रूपाभ पत्रिका 1938 में प्रकाशित हुआ था। शिवदान सिंह चौहान का रिपोर्टाज है, इसे हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। उसके बाद देखिए रिपोर्टाज शैली में चंडी प्रसाद सिंह लिखित युवराज की यात्रा, युवराज की यात्रा किसने लिखा है? चंडी प्रसाद सिंह ने। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है। उसके बाद देखिए कि प्रथम रिपोर्टाज कौन है? लक्ष्मीपुरा, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। लक्ष्मीपुरा और मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई किसका है? शिवदान सिंह चौहान का है। लक्ष्मीपुरा मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, ये शिवदान सिंह चौहान का है। और तूफानों के बीच में रांगे राघव, तूफानों के बीच में रांगे राघव का रिपोर्टाज है। स्वराज भवन अल्मोड़े का बाजार, स्वराज भवन अल्मोड़े का बाजार बंगाल का अकाल किसका है? प्रकाश चंद्र गुप्त का है। स्वराज भवन अल्मोड़े का बाजार बंगाल का अकाल प्रकाश चंद्र गुप्त का है। पहाड़ों में प्रेममय संगीत, पहाड़ों में प्रेममय संगीत उपेंद्रनाथ अस्क का है। पहाड़ों में प्रेममय संगीत उपेंद्रनाथ अस्क का है। गरीब और अमीर पुस्तकें, गरीब और अमीर पुस्तकें राम नारायण उपाध्याय का है। गरीब और अमीर पुस्तकें राम नारायण उपाध्याय का है। उसके बाद देखिए गरीब और अमीर पुस्तकें राम नारायण उपाध्याय का है। और नववर्षांक समारोह में, नववर्षांक समारोह में राम नारायण उपाध्याय का। देश की मिट्टी बुलाती है भदंत आनंद कौशलायन, देश की मिट्टी बुलाती है भदंत आनंद कौशलायन। वे लड़ेंगे हजार साल, वे लड़ेंगे हजार साल शिवसागर मिश्र, शिवसागर मिश्र का है। वे लड़ेंगे हजार साल रिपोर्टाज है। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती का रिपोर्टाज है, युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती का रिपोर्टाज है। क्षण बोले कण मुस्काए, क्षण बोले कण मुस्काए किसका है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। क्षण बोले कण मुस्काए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। प्लाट का मोर्चा, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह का, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह का है। ऋण जल धन जल, ऋण जल धन जल नेपाली क्रांति कथा, ऋण जल धन जल नेपाली क्रांति कथा फणीश्वर नाथ रेणु का है। श्रुत अश्रुत पूर्व, श्रुत अश्रुत पूर्व किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का है। एकलव्य के नोट्स, एकलव्य के नोट्स फणीश्वर नाथ रेणु का है। उसके बाद देखिए जुलूस रुका है,
बाढ़ बाढ़ बाढ़, जुलूस रुका है विवेकी राय, बाढ़ 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 विवेकी राय, खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय, खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय का रिपोर्ट आज है। पेरिस के नोट्स, पेरिस के नोट्स, पेरिस के नोट्स, पेरिस के नोट्स किसका है? पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा का है। धरती के लिए, धरती के लिए कैलाश नारद का रिपोर्टाज है। चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क, चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क किसका है? जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी का है। प्राग एक स्वप्न, प्राग एक स्वप्न है निर्मल वर्मा का, प्राग एक स्वप्न निर्मल वर्मा का है, प्राग एक स्वप्न है किसका? निर्मल वर्मा का। और देखिए, क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था, क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था, ये किसका है? क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था? सती कुमार का है, है ना? क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था? सती कुमार का। मुक्ति फौज, मुक्ति फौज श्रीकांत वर्मा, मुक्ति फौज श्रीकांत वर्मा। क्रांति करते हुए आदमी को देखना, क्रांति करते हुए आदमी को देखना कमलेश्वर, क्रांति करते हुए आदमी को देखना किसका है? कमलेश्वर का। युवराज की यात्रा, युवराज की यात्रा चंडी प्रसाद सिंह का है, युवराज की यात्रा चंडी प्रसाद सिंह का है। चलिए, वीडियो तो लंबा हो रहा है लेकिन इसी के साथ में यात्रा साहित्य भी देख लिया जाए। आइए देखते हैं, यात्रा वृतांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? भारतेंदु से माना जाता है, है ना? यात्रा वृतांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु जी से माना जाता है। और भारतेंदु जी का है हरिद्वार की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा है, और सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, तो चार हैं इनके, हरिद्वार की यात्रा और ये क्या कहते हैं सरयू पार की यात्रा और मेहदावल की यात्रा, और इनका बद्रीनाथ की यात्रा ऐसे है, इनका निबंध के अंतर्गत आता है बद्रीनाथ की यात्रा। उसके बाद देखिए कि हिंदी के जो प्रमुख यात्रा वृतांत हैं उसमें मेरी पूर्व दिग यात्रा, मेरी पूर्व दिग यात्रा किसका है? दामोदर शास्त्री का है, मेरी पूर्व दिग यात्रा दामोदर शास्त्री, दिग यात्रा दामोदर शास्त्री। रामेश्वर यात्रा, रामेश्वर यात्रा देवी प्रसाद खत्री का है, रामेश्वर यात्रा देवी प्रसाद खत्री का है। बद्रिकाश्रम यात्रा, बद्रिकाश्रम यात्रा किसका है? यह भी देवी प्रसाद खत्री का है। देखिए कि मेरी पूर्व दिग यात्रा दामोदर शास्त्री का है, और रामेश्वर यात्रा देवी प्रसाद खत्री का है, और बद्रिकाश्रम यात्रा भी देवी प्रसाद खत्री का है। पृथ्वी प्रदक्षिणा, पृथ्वी प्रदक्षिणा किसका है? शिवप्रसाद गुप्त का है। और मेरी कैलाश यात्रा, मेरी कैलाश यात्रा मेरी जर्मन यात्रा, मेरी कैलाश यात्रा मेरी जर्मन यात्रा किसका है? स्वामी सत्यदेव परिव्राजक का है, मेरी कैलाश यात्रा मेरी जर्मन यात्रा। मेरी ईरान यात्रा, मेरी ईरान यात्रा महेश प्रसाद का है, मेरी ईरान यात्रा महेश प्रसाद का है। हमारी जापान यात्रा, हमारी जापान यात्रा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है, हमारी जापान यात्रा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। यूरोप यात्रा में 6 मास रहे रामनारायण मिश्र, यूरोप यात्रा में 6 मास रामनारायण मिश्र का है। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा किन्नर देश में, किन्नर देश में। उसके बाद है घुमक्कड़ शास्त्र, घुमक्कड़ शास्त्र राहुल यात्रावली, ये सब राहुल सांकृत्यायन का है। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, एशिया के दुर्गम भूखंड चीन में कम्यून, चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा, चीन में क्या देखा किसका है? राहुल सांकृत्यायन का है। मेरी तिब्बत यात्रा,
मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून और चीन में क्या देखा, ये राहुल सांकृत्यायन का है। स्वदेश विदेश यात्रा, स्वदेश विदेश यात्रा कौन कर रहे थे, संत राम कर रहे थे। स्वदेश विदेश यात्रा, देखिए स्वदेश विदेश यात्रा, स्वदेश विदेश यात्रा संतराम का है स्वदेश विदेश यात्रा। और पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो, राम वृक्ष बेनीपुरी, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो राम वृक्ष बेनीपुरी। वह दुनिया में, वह दुनिया में किसका है, भगवत्सरण उपाध्याय का है। वह दुनिया में भगवत्सरण उपाध्याय का, कलकत्ता से पेकिंग, कलकत्ता से पेकिंग भगवत्सरण उपाध्याय का है। सागर की लहरों पर, सागर की लहरों पर भगवत्सरण उपाध्याय का है। आवारे की यूरोप यात्रा, आवारे की यूरोप यात्रा, आवारे की यूरोप यात्रा किसका है, सत्यनारायण का है। यूरोप के झरोखे में, यूरोप के झरोखे में सत्यनारायण का है। युद्ध यात्रा, युद्ध यात्रा किसका है, सत्यनारायण का है। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती का भी आप पढ़ चुके हो। उसके बाद देखिए सुदूर दक्षिण पूर्व, सुदूर दक्षिण पूर्व सेठ गोविंद दास का है। पृथ्वी परिक्रमा, पृथ्वी का परिक्रमा किसका है, सेठ गोविंद दास का है। लोहे के दीवार के दोनों ओर राह बीत गई यशपाल की, लोहे के दीवार के दोनों ओर राह बीत गई यशपाल की, है ना। उसके बाद हिमालय की यात्रा, हिमालय की यात्रा सूर्योदय के देश में, हिमालय की यात्रा सूर्योदय के देश में कर रहे थे काका कालेलकर, हिमालय की यात्रा सूर्योदय के देश में। खोज की पगडंडिया, खंडहरों के, खंडहरों का वैभव, खोज की पगडंडिया खंडहरों का वैभव किसका है, मुनि कांत सागर का है। खोज की पगडंडिया खंडहरों का वैभव किसका है, मुनि कांति सागर का है। शिवालिक की घाटियों में, शिवालिक की घाटियों में विद्यानिधि सिद्धालंकार का है। अरे आयावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, अरे आयावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, ये अज्ञे का है। ये इसमें स्वदेश यात्रा का वर्णन है, अरे आयावर रहेगा याद, और एक बूंद सहसा उछली में विदेश यात्रा का वर्णन है। आखिरी चट्टान, आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का, आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश। अनजाने देश में, अनजाने देश में श्रीमती बिमला कपूर, अनजाने देश में श्रीमती बिमला कपूर। देश विदेश मेरी यात्राएं, देश विदेश मेरी यात्राएं रामधारी सिंह दिनकर। पार उतर कहाँ जइहो प्रभाकर द्विवेदी, पार उतर कहाँ जइहो प्रभाकर द्विवेदी, पार उतर कहाँ जइहो प्रभाकर द्विवेदी का है यात्रा साहित्य। आँखों देखा यूरोप, आँखों देखा यूरोप, आँखों देखा यूरोप भुवनेश्वर प्रसाद भुवन का है। आँखों देखा यूरोप भुवनेश्वर प्रसाद भुवन का है। बद्रीनाथ की ओर, बद्रीनाथ की ओर कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, बद्रीनाथ की ओर चले गए कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी का है। रूस में 46 दिन, रूस में 46 दिन यशपाल जैन का है, रूस में 46 दिन यशपाल जैन का है। नंदन से लंदन, नंदन से लंदन ब्रज किशोर नारायण, नंदन से लंदन ब्रज किशोर नारायण का है। इसको कृष्ण से जोड़ लेंगे, नंदन, नंद के पुत्र वो कृष्ण जी और ब्रज में रहते थे। नंदन से लंदन ब्रज किशोर नारायण का है। गोरी नजरों में हम, गोरी नजरों में हम प्रभाकर माचवे, गोरी नजरों में हम प्रभाकर माचवे, गोरी नजरों में हम प्रभाकर माचवे का है। और देखिए हरी घाटी, हरी घाटी डॉक्टर रघुवंश, हरी घाटी डॉक्टर रघुवंश का है। चीड़ों पर चांदनी 1964 में, चीड़ों पर चांदनी 1964 में निर्मल वर्मा का, चीड़ों पर चांदनी 64 में निर्मल वर्मा का है। यादें यूरोप की, यादें यूरोप की और यात्रा चक्र ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का है। यादें यूरोप की, यात्रा चक्र ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का है।
हंसते निर्झर, दहकती भट्टी, ज्योतिपुंज हिमालय, हम सफर मिलते रहे विष्णु प्रभाकर को। हंसते निर्झर दहकती भट्टी, हंसते निर्झर दहकती भट्टी, ज्योतिपुंज हिमालय में हम सफर मिलते रहे विष्णु प्रभाकर को। हंसते निर्झर दहकती भट्टी, ज्योतिपुंज हिमालय में हम सफर मिलते रहे विष्णु प्रभाकर को। हिंदू कस के उस पार, हिंदू कस के उस पार लक्ष्मी देवी चूड़ावत का है, हिंदू कस के उस पार लक्ष्मी देवी चूड़ावत का है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, डॉक्टर नगेंद्र का है, अप्रवासी की यात्राएं, डॉक्टर नगेंद्र का है। सीधी साधी यादें दुर्गा देवी सिंह की, सीधी साधी यादें। सैलानी की डायरी, हवा में तैरते हुए राजेंद्र अवस्थी, अब यहाँ देखो डायरी लिखा हुआ है ना, तो ये डायरी विधा नहीं है, यात्रा साहित्य है, इसको ऐसे याद कर लेंगे। सैलानी की डायरी कैसी थी, हवा में तैर रही थी, तो सैलानी की डायरी हवा में तैरते हुए और उस पर बैठकर राजेंद्र अवस्थी ही यात्रा कर रहे थे। अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा, का है। विश्व यात्रा के संस्मरण रामेश्वर टांटिया का है, दुनिया रंग रंगीली है अनंत गोपाल सेवड़े की, धुंध भरी सुर्खी, और दरख्तों के पार शाम, झूलती जड़े, परतों के बीच और यात्राएं, गोविंद मिश्र, का है। धुंध भरी सुर्खी, दरख्तों के पार शाम, झूलती जड़े, परतों के बीच और यात्राएं, गोविंद मिश्र का है। खंडित यात्राएं कमलेश्वर, अभी आपको तो दिख ही नहीं रहा है, इधर देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा, विश्व यात्रा के संस्मरण रामेश्वर टांटिया, दुनिया रंग रंगीली है अनंत गोपाल सेवड़े की, धुंध भरी सुर्खी, दरख्तों के पार शाम, झूलती जड़े परतों के बीच, है ना, ऐसे दो दो एक साथ याद करेंगे तो याद हो जाएगा। धुंध भरी सुर्खी, दरख्तों के पार शाम, झूलती जड़े परतों के बीच, और यात्राएं कर रहे थे गोविंद मिश्र, खंडित यात्राएं कश्मीर रात के बाद, कमलेश्वर का है। आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर, रूसी सफरनामा, किसका है, बलराज साहनी, गांधी के देश से लेनिन के देश चले गए शंकर दयाल सिंह, यात्रिक शिवानी, ये शिवानी की यात्रा साहित्य है। धरती गुलाब, धरती लाल गुलाबी चेहरे कन्हैयालाल नंदन, का है। लिबर्टी के देश में, सीतेश आलोक का है। नए चीन में 10 दिन, किसका है, गिरधर राठी का है। और स्फीतियों की, में बारिश, किन्नर धर्म लोक, लद्दाख में राग विराग, कृष्णनाथ का है, स्फीतियों में बारिश, किन्नर धर्म लोक, लद्दाख में राग विराग, कृष्णनाथ का है। सफरी झोले में यहाँ से कहीं भी, अजित कुमार का है, सफरी झोला लेकर यहाँ से कहीं भी चले जाओ, अजित कुमार।
ऐसे याद कर लेंगे। पत्रों की तरह चुप, पत्रों की तरह चुप इंदुजैन, इंदुजैन पत्रों की तरह चुप थी। और सौंदर्य की नदी नर्मदा, यहाँ गलत दिया गया है, सौंदर्य की नदी नर्मदा और अमृतस्य नर्मदा, अमृतलाल बेगड़ का है। सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, अमृतलाल बेगड़ का है। तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना, पड़ोस की खुशबू, रामदास मिश्र। तना हुआ इंद्रधनुष है ना, तना हुआ इंद्रधनुष और भोर का सपना, पड़ोस की खुशबू। तना हुआ इंद्रधनुष और भोर का सपना, पड़ोस की खुशबू, रामदास मिश्र का है। साब्जा पत्र कथा कहे, साब्जा पत्र कथा कहे, साब्जा पत्र कथा कहे किसका है, शिवप्रसाद सिंह का है। यूरोप में अंतरयात्राएं, यूरोप में अंतरयात्राएं कर्ण सिंह चौहान का है। यूरोप में अंतरयात्राएं कर्ण सिंह चौहान का है। एक बार आयोबा मंगलेश डबराल का है। एक बार आयोबा मंगलेश डबराल का है। लिबर्टी के देश में सतीश आलोक, रामचंद्र तिवारी की बुक में सीतेश आलोक दिया गया है ना, और यहाँ पर सतीश आलोक है लिबर्टी के देश में। उसके बाद देखिए आधी रात का सफ़र, आधी रात का सफ़र बल्लभ डोभाल, आधी रात का सफ़र किसका है, बल्लभ डोभाल का है। आधी रात का सफ़र बल्लभ डोभाल का है। यहाँ पर देखिए समय पर सूर्यास्त, समय पर सूर्यास्त किसका है, प्रयाग शुक्ल का है। समय पर सूर्यास्त प्रयाग शुक्ल का है। और पहियों पर रात दिन महेश कटारे का है। पहियों पर रात दिन महेश कटारे का है। और यातना शिविर में हिमांशु जोशी, यातना शिविर में हिमांशु जोशी। आत्म की धरती अंतहीन आकाश विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है। एक लंबी छांह रमेश चंद्र शाह का है। और जापान में कुछ दिन कृष्णदत्त पालीवाल का है। जापान में कुछ दिन किसका है, कृष्णदत्त पालीवाल का है। कितना अकेला आकाश नरेश मेहता। जहाँ फुहारे लहू रोते हैं नासिरा शर्मा। क्या हाल है चीन के पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र रखो मनोहर श्याम जोशी। शहर दर शहर निर्मला जैन का है। और चलते तो अच्छा था रास्ते की तलाश में असगर वजाहत। इनका एक और है पाकिस्तान का मतलब क्या, चलते तो अच्छा था रास्ते की तलाश में असगर वजाहत, पाकिस्तान का मतलब क्या, ये भी इन्हीं का है। एक नाव के यात्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है। और कबाड़खाना ज्ञान रंजन खरामा खरामा पंकज विष्ट का है। राहुल सांस्कृत्यायन अज्ञेय और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य में घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन अज्ञेय और नागार्जुन को अज्ञेय का, ये देखिए अज्ञेय का
अरे यायावर रहेगा याद, स्वदेश यात्रा पर है और एक बूंद सहसा उछली या विदेश यात्रा पर है ना, इसको ध्यान रखेंगे। और राहुल सांकृत्यायन को, अज्ञेय को और नागार्जुन को, इनको घुमक्कड़ बृहत्तरई कहा जाता है। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, और मिलेंगे अब अगली क्लास में। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो नए विद्यार्थी हैं वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके आगे इसी से संबंधित प्रश्नोत्तरी का वीडियो बनेगा। तो धन्यवाद।